बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम हजरत जी, मुझे पिछले 5 सालों से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फोबिया का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। मुझे चक्कर, बेचैनी और खौफ की तकलीफ होती रहती है। मैं पिछले 5 सालों से 300 मरतबा लाहौल की तस्बीह कर रही हूँ और वली सूरह अनफाल की वली अरबित अला कुलूबिकुम वो वाली आयत जो है वो सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ती हूँ। दुआए कर्ब जो है वो मैं 3-3 मरतबा सुबह शाम पढ़ती हूँ। ये मेरा मामूल है पिछले 5 सालों से, तो मेरी ये तकलीफ़ थोड़ी कम तो हुई है, पर मुझे पूरी तरह आराम नहीं हुआ है। मैं अभी भी बाहर जाती हूँ तो मुझे बेहद खौफ महसूस होता है, घबराहट, बेचैनी हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं कब घर पे पहुंच जाऊं, चक्कर सी कैफियत होकर आती है। तो मुझे इसके लिए कोई दुआ बताइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ रफ़ा फरमाए और आपको दिल का इत्मीनान और सुकून नसीब फरमाए, और जो कैफियत आपने बताई एंजाइटी और डिप्रेशन की वो दूर नहीं हो रही। इसके लिए आप दो अमल करें। एक तो आपने वजीफ़ा करना है अल्लाह के दो नामों का, या फताहू या बाकीू, या फताहू या बाकीू, ये 1000 मरतबा पढ़ना आपने रोज़ाना। पढ़ के अपने सीने पर दम करना है, थोड़े से पानी भी दम करके पानी पी लेना है। एक ये अमल करना है। दूसरा सूरह अनफाल की आयत नंबर 10 नंबर आयत सूरह अनफाल की, ये रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ के अपने पर दम करें और थोड़े से पानी पे दम करके पी लें। ये दो अमल आपने जब पाबंदी से 41 डेज करने हैं, इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है किसी भी किस्म की एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन जो है वह हालात के हवाले से जो है वह आपके ऊपर जो भी बुरे असर हैं सब रफ़ा हो जाएंगे और आपकी तबीयत बिल्कुल शरा सदर नसीब हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।